तो यार ये रही हमारे राइनॉक्स की एयर टैक स्टैंड। इसने भाई राइनॉक्स की यहाँ पे बैजिंग हो रखी है ये अपनी लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ। तीन चीज़ें इसमें हमें साथ मिलती हैं, ये अपनी फुल गई और ये अपने प्रोटेक्टर्स हैं जो कि अपने एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें विंटर लाइनर इसमें अलग से नहीं है, इसमें इनबिल्ट आता है। गिफ्ट टैक के आते हैं ये और लेवल 2 के हैं ये, और दोनों साइड के भी प्रोटेक्शन के रिमूव हो चुके हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और भाई जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम दिल्ली से शॉपिंग करके लाए थे, जिसमें से था हमारी एक राइनॉक्स की पैंट भी थी। तो ये ब्लॉग होने वाला है आज हमारी पैंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको पैंट दिखाता हूँ, उसके सारी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, और जो मैंने खास बात बोली थी उस पैंट की वो भी बताता हूँ कि मैंने क्यों पैंट प्रेफर करी है अभी और क्या इसकी खास बात है, और इस पैंट को पहन के हमें राइड भी करने वाले हैं। तो चलो पहले देता हूँ ओवरव्यू, बताता हूँ और चलो शुरू करते हैं। तो यार ये रही हमारे राइनॉक्स की एयर टैक्स पैंट। इस पैंट का नाम है राइनॉक्स एयर टैक्स। ये देख सकते हैं भाई राइनॉक्स की यहाँ पे बैजिंग हो रखी है कुछ इस तरीके की, फुल ब्लैक में, और बस एक रेड स्ट्रैप है इसके दोनों साइड ये, और रेड हमारे साथ मैच भी करता है, बूट्स में भी रेड है और हमारी बाइक भी रेड है तो उससे भी मैच करेगी। तो कुछ इस तरीके की ब्लैक पैंट है ये, जो कि आती है अपनी लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ। इसमें अपने नी और अपने ये जो हिप प्रोटेक्शन होती है, अभी दिखाऊंगा मैं निकाल के भी आपको, वो आती है लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ। और इसमें हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, तो जो इसकी एम आर पी है इसकी 7250, तो 7250 की इसकी MRP है। बाकी अलग अलग ऑफर्स होते हैं इस पर कि आपको कितनी पड़ रही है। फिलहाल मैं ये ले चुका हूँ, राइनॉक्स एयरटेक्स का नाम है, लेवल 2 की प्रोटेक्शन आती है। तीन चीज़ें इसमें हमें साथ मिलती हैं, एक तो पैंट हो गई, दूसरा अपना ये रेन कवर। तो भाई ये देख सकते हो ये इसमें साथ में एक रेन कवर मिलता है। ये देखो राइनॉक्स की बैजिंग हो रखी है, इस पर भी पीछे कुछ रिफ्लेक्टर है, तो कुछ ऐसा ही रेन कवर है। देखो मुझे नहीं पता कि कैसा इसका रिस्पॉन्स होगा, अभी तक ट्राई नहीं करा है, तो जब बारिश पड़ेगी तब ट्राई करेंगे। साथ में एक पैंट और ये अंदर हमें मिलती है इसमें ये विंटर लाइनर। तो ये देख सकते हैं विंटर लाइनर इसमें अलग से नहीं है, इसमें इनबिल्ट आता है। आप इसे डिटैच कर सकते हो, डिटैचेबल है ये, लेकिन कुछ इस तरीके से ये देखो अटैच आता है। ये अपने टेलबोन के लिए है, टेलबोन प्रोटेक्टर आप अलग से ले सकते हो, लेकिन इतनी नीड नहीं है, तो टेलबोन वाला हटाते हैं अभी। ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके की पैंट है, और ये प्रोटेक्शन, और ये अपना विंटर लाइनर। अपना रेन लाइनर हो गया, पैंट हो गई और विंटर लाइनर, ये तीन चीज़ें मिलती हैं अपने को। अब रेन लाइनर इसमें डिटैचेबल है, जो कि मैंने आपको बोला, ये चेन देख रहे हो आप, इस चेन से ये चेन आप इसे खोल लोगे पूरी चेन को, और ये पूरी चेन यहाँ से खुल के ये डिटैच हो जाता है, तो ये निकल सकते हो। बहुत ईजी है इसे निकालने का प्रोसेस, तो देखो सिंपल सा आप यहाँ से चेन खोल दो। तो ये देखो ये चेन थी, ये हमने चेन खोल दिया है, यहाँ तक पूरी चेन खुल गई है, और कुछ इस तरीके से ये रेन लाइनर अपना पूरा, यहाँ रेन लाइनर कह रहा हूँ सॉरी, ये विंटर लाइनर अपना पूरा बाहर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके का ये विंटर लाइनर है, जो कि भाई आप बर्फ़ में जा रहे हो, ठंड में जा रहे हो, कहीं में जा रहे हो, तो बहुत काम आने वाला है। अच्छा, काफ़ी अच्छे मटेरियल का ये विंटर लाइनर है, देख के तो काफ़ी वार्म लग रहा है। बाकी देखो पहन के बता पाऊंगा कैसा है। नीचे ये हुक्स होते हैं, जो कि आप यहाँ से चेन खोल के, अंदर इसमें हुक्स हैं, आप इसे फिट कर सकते हो, दोनों जगह से फिट हो जाता है, दोनों तरफ हुक्स हैं, ऊपर चेन है, ये फिक्स हो जाता है, आप इसे बिना पैंट के नहीं पहन सकते। तो ये हो गया अपना विंटर लाइनर। विंटर लाइनर भी आप देख चुके हो, विंटर लाइनर साइड करते हैं, या आप रेन लाइनर देख चुके हो, रेन लाइनर साइड करते हैं। अब बारी है इस पैंट के प्रोटेक्शंस की, तो एक एक करके प्रोटेक्शन दिखाता हूँ, और सबसे मेन हाईलाइट क्या है इस पैंट की वो बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये हैं हमारे हिप वाले प्रोटेक्शन, तो ये निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी अपने सारे लेवल 2 प्रोटेक्शन हैं पूरे। ये देखो भाई ये जो है अपने ये हिप प्रोटेक्शन है, और ये देखो सेफ टेक के आते हैं ये, और लेवल 2 के हैं ये, बहुत बढ़िया टाइप बी, और काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं ये। एक इधर है, एक इधर है, बहुत ईजी है इनको रिमूव करना ऐसे। ये देखो दोनों बहुत ईजिली ऐसे ये रिमूव हो जाते हैं। ये देखो भाई दोनों साइड के हिप प्रोटेक्शन इसके रिमूव हो चुके हैं यहाँ से बहुत ईजिली। अब ये तो इसके हिप प्रोटेक्शन होगा, अब सबसे मेन चीज़ ना भाई इसके नी प्रोटेक्शन, ना सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी हाइट ना 6 फिट से ऊपर है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है ये चीज़। तो अगर आपकी हाइट ना 6 फिट से ऊपर है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप क्या फेस करते हो, जो आपकी नी प्रोटेक्शन होती है ना, कई बार वो एडजस्टेबल की वजह से एडजस्टेबल नहीं होती है। लाइक मैंने पहले सोलेस की जीन्स ली थी, तो उसमें मेरे साथ दिक्कत क्या हुई थी, जब मैंने उसे पहना तो जब मैं बाइक राइड करता था, खड़े होकर तो ठीक था, लेकिन जब मैं बाइक राइड करता था तो ऑब्वियसली हमारी जो जीन्स या पैंट होती है वो थोड़ी सी ऊपर आती है, तो ऊपर आने की वजह से उसमें जो अपने नी प्रोटेक्शन थे वो काफ़ी छोटे थे, और छोटे होने की वजह से वो एक ही जगह फिक्स थे, तो वो मेरे नी से ऊपर आ गए थे। बिकॉज मेरी हाइट है भाई 6'4" मेरी हाइट है, तो वो नी से ऊपर आ गए थे, और भाई नी प्रोटेक्शन ही नहीं बची, तो क्या पॉइंट था उस पैंट का, जो जीन्स मंगाई थी तो मुझे वो रिटर्न करनी पड़ी। आप लोग सोच रहे हो कि भाई नेपाल से पहले जीन्स ली थी फिर क्यों नहीं पहन के गया, यही रीज़न था, मुझे वो रिटर्न करनी पड़ती, इतनी जल्दी मुझे पैंट मिली नहीं थी, तो मुझे नी पैड्स लगा के जाने पड़े थे, नी गार्ड लगा के गया था मैं, तो ये रीज़न था। अब इसमें ऐसा खास क्या है जो मुझे वो प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, तो वो मैं दिखाता हूँ कि वो इसमें
लंबे मिलते हैं और कैसे एडजस्टेबल मिलते हैं। तो जी हाँ, ये अपनी राइनॉक्स की एयरटेक्स पैंट में नी स्लिप मैकेनिज्म आता है, राइनॉक्स देता है, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। नी स्लिप मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ नी स्लिप मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे इसके नी गार्ड्स होते हैं पूरे, और नी गार्ड कैसे इसके एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये देखो, अब मैं बताता हूँ, ये इसके नी गार्ड्स हैं। नी गार्ड्स आपको लगता होगा हम ऊपर से निकालेंगे या यहाँ से निकालेंगे, सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने यहाँ पे दोनों साइड ये चेन दे रखी है, जो कि चेन अपनी ऊपर तक खुल जाती है। सॉरी, यहाँ एक हाथ में कैमरा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट ये आप देख सकते हैं। तो ये अपनी चेन खुल चुकी है पूरी, ऐसे ही सेम चेन इधर है, ये भी चेन सेम चेन देखो ऐसे करके खुल जाती है ये। तो ये देखो दोनों साइड की हम ये चेन खोल चुके हैं। अब ये देखो आप, तो ये चेक करो, तो ये पूरी चेन यहाँ तक खुल गई है। एंड ये देखो इसके प्रोटेक्शन। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है भाई, ये पूरे ना वेलक्रो से लगे हुए हैं भाई। ये देखो ये पूरे यहाँ पे वेलक्रो से लगे हुए हैं, तो इन्हें आप इजीली रिमूव कर सकते हो, और इजीली ना, ये देखो भाई इस तरीके से आप इन्हें रिमूव कर सकते हो इजीली, क्योंकि ये वेलक्रो पे हैं। तो भाई ये देखो, ये रहा इसका नी गार्ड, और ये एक ऐसा पाउच आता है, और ये देखो भाई ये पूरा वेलक्रो पे लगा हुआ है, और इस पे पूरी एक वेलक्रो है। तो आप इसे पहनने के बाद अपने बैठ के पूरा एडजस्ट कर सकते हो, ये पूरी चेन खोली आपने, और अपने नी के हिसाब से इसे फोल्ड करके एडजस्ट कर सकते हो। सेम इधर है, ये देखो भाई। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस पैंट का, कि आप इन्हें ईजिली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो भाई। सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे लिए, अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है तो मैं कहूँगा भाई ये वाली चीज़ ज़रूर लेना, राइनॉक्स में मिलती है ये, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। क्योंकि मेरे को भाई जीन्स तो नहीं आ पा रही थी, पैंट मेरे को लेनी पड़ी है, तो अब मैं पहन के भी दिखाऊँगा कि ये कैसे कैसे ये सब आता है। बाकी ये देख लो भाई, इसमें भी ये लेवल 2 की प्रोटेक्शन आती है पूरी बढ़िया से। आप इसे पहनो, ये खोलो, और ये पूरा इसमें लग के एडजस्ट हो जाता है। तो ये पूरी पैंट है भाई, बहुत बेहतरीन पैंट आती है ये कुछ इस तरीके की, और पूरा मैश वाला कपड़ा है इसमें, क्योंकि एयरटेक्स पैंट है तो पूरा मैश है, इधर भी मैश है, और ये देखो भाई इधर भी मैश आता है। और इसका बैक दिखाऊं तो भाई पीछे यहाँ पे एक लोगो आता है, और ये जैकेट से कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे हमें चेन मिलती है, पैरानॉक्स जैकेट तो कनेक्ट हो जाएगा वहाँ से। और पीछे ये देखो, ये एंटी स्किड आता है ये, ताकि सीट तो आप स्किड ना करें। तो कुछ इस तरीके की यार ये पैंट है, कुछ इस तरीके की प्रोटेक्शन आती है, और यही वो खास चीज़ थी जो मैं आपको दिखाने वाला था, इस पैंट में मिली है मेरे को, जो कि मेरे को बहुत यूज़फुल है बिकॉज ऑफ माई हाइट। तो अगर आपकी भी हाइट है तो गो फॉर दिस, आपके बहुत काम आने वाली है। तो भाई देखो फुल ब्लैक क्या बढ़िया लग रही है ना। तो बस ये था कुछ इस पैंट का ओवरव्यू, और वो हमारे रखे हैं हमारे रेन कवर और विंटर लाइनर। तो अब कल सुबह हमें जाना है एक राइड पे, अभी फिलहाल रात हो रही है, मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल सुबह हमें राइड पे जाना है। तो अब राइड पे निकलना है, राइड पे निकलने से पहले मैं इस पैंट को पहनूंगा, और कल को आपको दिखाता हूँ इस पैंट का पूरा लुक कैसा आ रहा है और कैसी लग रही है। और ये वाला भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि ये कैसे एडजस्ट हो सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको कल। तो ये देख सकते हैं हमने पहन रखी है अपनी ये राइनॉक्स की पैंट, और ये हमने साथ में जैकेट भी पहन लिया। तो कुछ ऐसा इस पैंट का लुक आता है, ये इसकी 2 पॉकेट्स हो गई, बस इतनी पॉकेट है इसमें। बाकी जो चीज़ मैं आपको बताना था, ये थोड़ा सा जूम करा जाए यहाँ पे, तो यार ये चीज़ मैं बता रहा था। तो भाई ये देखो, ये इस तरीके से खुल जाती है दोनों साइड से, ये अपनी खुल गई, और ये अपने प्रोटेक्टर्स हैं जो कि अपने एडजस्ट हो जाते हैं, ये निकाल के आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो अपनी नी के हिसाब से। तो यार ये इसकी बेस्ट चीज़ है। बाकी ये देख लो, एक बार लुक देख लो इसका, कुछ इस तरीके का लुक आता है इसमें। बाकी अब इसे पहन के बाइक पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ये लगती है। तो चलो मिलते हैं इसे बाइक पे आपसे। बाकी यार ये देख लो, मैंने पहन रखी है आज अपनी नई वाली पैंट, आपको अगर दिख रही होगी तो भाई ये अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस पैंट की। तो यार अभी तक का जो मेरा रिव्यू है ना इस पैंट का यार, इसे पहन के सबसे तो बढ़िया बात इसमें मुझे क्या लगी है कि एक तो वही जो मैंने नीचे बताया था कि आप भाई इसे यहाँ से यहाँ तक पूरा एडजस्ट कर सकते हो ना, तो वो बड़ी बढ़िया चीज़ है यार। मैं बैठा हूँ फिर मैंने देखो एडजस्ट कर लिया, मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है और नीचे तक जा रहा है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी, क्योंकि हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग भाई ये है एयर टैक्स, और एयर टैक्स का मतलब है भाई ये फुल्ली एयर वेंटेड है, तो गर्मी नहीं लग रही है मुझे बिल्कुल भी। ये देखो यहाँ पे इसके एयर वेंट है, यहाँ पे वेंट है, तो बढ़िया इसे पहन के ना कंफर्टेबल है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कोई दिक्कत दे रही है। तो देखो चलते हुए बढ़िया लग रही है, अगर आप रुकोगे तो ऑब्वियसली परेशानी होगी क्योंकि आपको गर्मी लगेगी, और भाई हैवी मटेरियल होता है तो ऐसा फील होता है। लेकिन अभी मैं जब इसे पहन के चला रहा हूँ ना तो बहुत बढ़िया हो रही है, मैंने जैकेट से भी कनेक्ट कर लिए पीछे से चेन से, तो पहनने का एक्सपीरियंस इसका बढ़िया है एकदम से यार।